स्थः श्रुतं मे मापहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इत्यनेन वाक् उपसंहारेण एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता हप्येति। वहां पर देख रहे थे तो देवता को प्राप्त कर लेता है। तथा च ज्ञान सहितेन कर्मणा केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणं, वहीं तो देख रहे थे हम लोग। ज्ञान सहितेन कर्मणा केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्षस्य असिद्धेः तत्सिद्ध्यर्थं केवल आत्मविद्या आरंभस्य इदानीम् अवसर इति भावः। तो केवल आत्मविद्या कर्मरहित जो उपासना या कर्मरहित वो जो आत्मविद्या है उसका यहाँ पर प्रारंभ करने का जो है अवसर है, आवश्यकता है। अत्रांतरे सर्वात्मक सूत्रात्म प्रतिप्राप्ति व्यतिरिक्त मोक्षस्य अभावात् तदर्थं केवल आत्मविद्यारम्भो न युक्त इति केषाञ्चित् मतम् उत्थाप्यते। तो वहाँ पर सुपूर्व पक्षी जो है खड़ा हो रहा है, वो बता रहा है कि ऐसा कोई नहीं है भाई, यहाँ केवल आत्मस्वरूप का जो है विद्या का जो है आरंभ का कोई जरूरत ही नहीं है, न युक्त है, यहाँ युक्ति युक्ति नहीं है। क्यों? सर्वात्मक सूत्रात्म प्राप्ति व्यतिरिक्त मोक्षस्य अभावात्। ये जो मोक्ष आप बता रहे हैं वो मोक्ष कुछ है ही नहीं है वैसा। क्यों ऐसा नहीं है? यहाँ पर जो बता रहे हैं सर्वात्मत्व और सूत्रात्मत्व, वो जो सूत्रात्मत्व हिरण्यगर्भ प्राप्ति वो तो है ही है, सब सबके लिए स्वीकार है। और दूसरा बात क्या है, सर्वात्म भाव भी वहाँ है। तो ये जो कुछ भी मालूम नहीं है कर्म से जो है कुछ प्राप्त नहीं होगा बोल के जो है आप अपना कपोल कल्पित जो बता रहे हैं वैसा कुछ आरंभ करने का आवश्यकता ही नहीं है। केशांचित मतम उत्थापित, ऐसा कोई जो है केशांचित मतलब यहाँ क्या है, जैसा पूर्व में बताया था हिरण्यगर्भ उपासना उपासक जो लोग है या प्राण उपासक लोग जो है वो लोग कह रहे हैं स्वयमिति। सो अयम देवता अप्येलक्षण परपुरुषार्थ एव मोक्षः, एष मोक्षः। तो वहाँ पर एष भाग में तो सो अयम देवता अप्येलक्षण परः पुरुषार्थः, ये जो देवता प्राप्ति लक्षण, ये जो देवता प्राप्ति लक्षण यही क्या है, परः पुरुषार्थः, वही जो है परम पुरुषार्थ, उसको छोड़ के कोई पुरुषार्थ है ही नहीं है, उसको वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। एतस्य एव विषयादिमतः सुखरूपत्वेन पुरुषार्थत्वात् मोक्षत्वं न निर्विषयस्य केवल आत्मस्वरूप अवस्थानस्य इत्याह। तो इसको क्यों आप जो है मोक्ष रूप में मान रहे हैं, उसके लिए कोई हेतु होना चाहिए। मतलब मेरा मोक्ष जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहे, केवल आत्मस्वरूप को आप स्वीकार नहीं कर रहे और आप कह रहे सूत्रात्मा का जो है प्राप्ति ही मोक्षण है। तो ये दोनों, इसको निराकरण करने के लिए भी आपके पास हेतु होना चाहिए, इसको प्राप्ति करने के लिए भी, स्वीकार करने के लिए भी आपके पास हेतु होना चाहिए। हमारा पास है तो क्या कह रहे हैं, एतस्येव मतलब ये जो देवता आपके ये लक्षण जो बताया गया है एतस्येव विषयादिमत सुख रूपत्वेन, ये जो क्या है विषयादिमान होने के कारण जो है सुखरूप होने के कारण विषयादिमत उतना ही नहीं है सुखरूपत्वेन, दो कारण दे दिया है। इसके कारण क्या है पुरुषार्थत्वात्, वो पुरुषार्थ है, इसीलिए क्या है मोक्षत्वम, वो मोक्ष है। मोक्षत्वम न निर्विशेष्य नहीं है, मोक्षत्वम कमा न निर्विशेष्य केवल आत्मस्वरूप अवस्थानस्य। और मोक्षत्व क्या है, निर्विषय तो जो केवल आत्म स्वरूप जो स्थित कर्म रहित तो जो आत्म जो स्थित उसमें कोई क्या है, अनुभव करने के लिए कोई है ही नहीं है, अनुभववान नहीं है, विषय नहीं है, तो वहां बेकार के उसको कैसा मोक्ष। तो सामान्य प्रश्न है ये, सर्वसामान्य प्रश्न है ये,
उसको मोक्ष स्वीकार करने में क्या जो है लाभ है? कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ अनुभव होगा नहीं होगा, आनंद कुछ नहीं है। तो आनंद जो बताया आनंद मन में, वो ऐसा ही इतर व्यावृत्ति के लिए, तो उसको भी इतर व्यावृत्ति करने, हम लोग इतर व्यावृत्ति करके जो उसको भी निराकरण कर देते, आनंद भी नहीं रहेगा, दुख दुख तो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आनंद भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वो कुछ मतलब जैसा खाने में जो है मसाला नहीं है, नमक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको खाओ बोलने की जगह पे जैसा होता है वैसा यहाँ पर भी है। कोई विशेष रहित भोजन जैसा जो है, विशेष रहित, ये विशेष रहित भोजन मतलब एक तमिल में एक कहावत है, जिसमें नमक नहीं चढ़ा उसको जो है कूड़ादान में फेंकना चाहिए, वो खाना जो है वो भोजन लेना योग्य नहीं है, तो ऐसा ये प्रयोग है। मगर एक मंदिर है दक्षिण में, अब जैसा समझ लीजिए बड़ा बड़ा को जो है आप खा रहे हैं बिना जो है नमक, नमक बिना बड़ा क्या बड़ा होता है, वो छोटा भी नहीं होता है वो। तो यहाँ पर इस दुकान में, इस मंदिर में उप्पलियप्पन टेम्पल मंदिर है, उसका नाम है उप्पलियप्पन, वो जो भगवान का नाम उप्पलियप्पन, मतलब उप मीन्स उप मतलब नमक है, तो ऐसा दूसरा अर्थ है वो, दूसरा वो पिल्ला अपन कहते, मतलब इनका कोई जो है सादृश्य है ही नहीं है, ऐसा कहने का जो है दूसरा भी तात्पर्य है। मगर ये पहला अर्थ निकाल के क्या कर देते हैं, वहाँ जो भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं वो कुछ भी उप वो नमक नहीं रहता उसमें, और वो प्रसाद रूप में हम लोगों को जो है दिया भी जाता है। हम लोग सामान्य क्या है, जिसमें नमक नहीं है वो कूड़ादान में, सामान्य रोल है, मगर वहाँ जो है जो नमक रहित जो प्रसाद रूप में आप खा रहे हो उसमें भी स्वाद है। मंदिर के बाहर आओ, हमारा जो भावना बदल रहा है इसके कारण या क्या है पता नहीं है, मंदिर के बाहर उसका जो है स्वाद नहीं आता है। कुछ कुछ ऐसा विशेष चीज़ है, आप जो है उसको अपना जो है वाणी से अभिव्यक्त नहीं करते, जैसा जो है ये तिरुपति बालाजी सुने तो बहुत है, उसका लड्डू जो मिलता है बहुत फेमस है, वो तिरुपति बालाजी का जो लड्डू है वहाँ जहाँ जहाँ से जो जो माल लेके आ रहे वो स्पेशल स्पेशल, मतलब घी मतलब इसी एरिया से और उसका जो बेसन मतलब वो इसी एरिया से, ऐसा जो एक एक का स्पेशल स्पेशल स्थान रखे हैं, वहाँ वहाँ से लेके उसी तरीके से जो है बनाते हैं, मगर टेस्ट वही नहीं आता। तो ऐसा कुछ चीज़ जो है वो अपना कल्पना के बाहर है। अभी ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, मतलब वहाँ पर नमक नहीं है मगर भावना है, तो उसमें जो है नमक जुड़ जाता है, नमक क्या स्वाद जुड़ जाता है, प्रसाद ईश्वर प्रसाद, यहाँ पर वो भी नहीं है, कम से कम जो है ईश्वर प्रसादात करके उसको स्वीकार कर ले बोला तो ईश्वर कौन है भाई, ईश्वर नामक कोई विषय ही नहीं है हम लोगों के लिए। हाँ तो विषय मतलब आप जो है ये जो खाने पीने का चीज मत केवल मत समझना है, ईश्वर भी विषय हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो भी नहीं है, तो भावना भी नहीं बनने का, क्योंकि भावना मतलब वृत्ति है, वृत्ति भी नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए जो है बहुत गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या है, क्या रखा है आपका, वो पूछ रहा है मोक्षत्वम न निर्विशेष केवलात्म स्वरूप स्वरूप अवस्थानस्य इति आह, वो जो मोक्ष है उसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए उत्तर दे रहे एष इति, एष मोक्ष है, यही मोक्ष है, पूर्व पक्षी का जो है बात यही मोक्ष है। आयम अपि चेत मोक्ष है केवलात्मज्ञानेन साध्यते तदा तदा तद आरब्धो तद आरंभो अर्थवान इति आशंक्य सविशेषेनैव साधनेन सिद्धिरित्युक्ता इत्याह। ठीक है, अयमपि चेत् मोक्षः, ये जो मोक्ष है केवल आत्मज्ञानेन साध्यते, हम लोग जो मोक्ष बता रहे हैं ये जो मोक्ष है मतलब आप जो निर्विशेष मोक्ष के बारे में नहीं है, ये जो सविशेष मोक्ष जो अनुभव सहित मोक्ष वह मोक्ष चेत मोक्ष है केवल आत्मज्ञानेन साध्यते यदा, ये जो आत्मज्ञान से जो है कर्मरहित आत्मज्ञान से ऐसा मोक्ष विषय अनुभव सहित जो मोक्ष है प्राप्त सकता है तदा तब तद आरंभ अर्थवान, तब जो है आप इसको भी उसको आरंभ करेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जो मोक्ष हम लोग मान रहे वही तो आप मान रहे,
उसको सिद्धि करने के लिए दूसरा रास्ता है तो हम भी खुश है, आनंद है, आनंद प्राप्त करेंगे इति आशंक्य। ये आशंका से जो है सविशेषेन एव साधनेन सिद्धि युक्ता। तो ये जो है आपका जो केवल आत्मज्ञान से मोक्ष जो बता रहे हैं वो यदि हो सकता है तो ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए सिद्धि रूप से उसका जो सिद्धांत बता रहे हैं सविशेषेन एव साधनेन सह विशेष है सविशेष विशेष सहित। विशेष सहित मतलब क्या है? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान आपका विशेष है, समझ लीजिए बात। आत्मज्ञान आपका विशेष है, उस विशेष के लिए विशेषण क्या है? विशेष क्या है यहाँ पर? केवल, केवल मतलब कर्म रहित, उपासना रहित, वो निर्विशेष। अभी आत्मविद्या उसके लिए आप कर्म या उपासना सहित दे दिया तो स विशेष युक्त आत्मज्ञान। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? सविशेषेन एव साधनेन कर्म और उसका जो अंग इत्यादि से ही जो है सिद्धि युक्ता, ये जो मोक्ष सिद्धि जो है प्राप्त कर हो सकता है, यही युक्ति युक्त है सच इति। तो उसके लिए कह रहे हैं सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यो न अतः परम अस्ति इति एके प्रतिपन्नाः। अतः परम इसको जो है आगे ले रहे सच इति। स च अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यः। वहाँ विराम को जो है निकाल दिए हैं, कमा या विराम कुछ होना चाहिए, अगला अगला जो है वो पक्ष है वो। स च अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यः। सविशेषेन इति मतलब क्या है? यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन, यथोक्त जो पहले बताए थे, पहले बताए मतलब कहाँ पर है भाई, अभी तो प्रारंभ कर रहे। यथोक्तेन मतलब जो परिसमाप्तम कर्म करके प्रारंभ किए हैं वहाँ। तो यथोक्तेन मतलब इस अध्याय के पहले जो कर्म और ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे उसी से, उस साधन से ही जो है प्राप्तव्य है, उसको ले रहे हैं सच इति। आत्मनः सविशेषत्वेन, टीका, आत्मनः सविशेषत्वेन केवल आत्मविद्यायाः अभावात् अपि न तस्य हेतुत्वं तस्याः हेतुत्वम् इत्याह। आत्मनः सविशेषत्वेन केवल आत्मविद्यायाः अभावादपि, और आत्मा क्या है? आत्मा जो है निर्विशेष, आपका मान्यता है ये, हमारा मान्यता नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? आत्मनः सविशेषत्वेन, आत्मा जो है विशेष सहित है, इसलिए क्या है ये जो हम लोग जो विषय प्रेम इत्यादि जो विशेष सहित बोल दिए हैं, अनुभव इत्यादि विशेष सहित, इसलिए केवल आत्मविद्यायाः अभावात् अपि, केवल आत्मविद्याया विद्या का जो है अभाव होने से भी न तस्याः हेतुत्वम्, न तस्याः हेतुत्वम्, उसको जो है हम लोग हेतु रूप में स्वीकार नहीं सकते, स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? न अतः परम अस्ति इति एके प्रतिपन्नाः बोल के पूर्व पक्षी यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। वहाँ जो ऊपर में बताए थे केचित मतम उत्थापयति, उसको यहाँ अतः न अतः परम अस्ति इति, इसके जो है ऊपर कुछ नहीं है। ये जो है केवल आत्मा भाव कोई है ही नहीं है, यहाँ सविशेष सहित ही जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नातफ्रम तन्मतम प्रदर्श्य, ये जो पूर्व पक्षी का मत केवल आत्मा आत्मा विद्या से जो है कुछ प्राप्ति नहीं होने वाला है, यहाँ पर कर्म सहित या उपासना सहित ही हो सकता है, ये सिद्ध होने के बाद तन्मतम प्रदर्श्य, अभी पूर्व पक्ष सिद्ध हो गया है। पूर्व पक्ष सिद्ध होने का मुख्य कारण क्या है? उसको स्वीकार करना नहीं है, उसको निराकरण करना। इसलिए क्या कह रहे तन निराकरणार्थत्वेन, उसको निराकरण करने के लिए केवल आत्मविद्या वाक्यम अवतारयति। ये जो केवल आत्मविद्या है उसको निरूपण करने वाला जो वाक्य है उसको अवतारण करते हैं तान इति। तान निराचिकीर्षुः उत्तरम भाष्य है,
भाष्य में तान निराचिकीर्षु उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा वा इदम इत्याद्याह इत्यादि आह। बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं तान, भाष्य में क्या बता रहे हैं तान, तान निराचिकीर्षु, तान मतलब ये जो प्रतिपन्ना जिनको बता रहे हैं, जो पूर्व पक्षी है, तान पूर्व पक्षी, वो एक नहीं है, बहुत लोग है ऐसा, तो उन लोगों को जो है निराकरण करने के लिए निराचिकीर्षु, निराकरण करने के लिए नहीं है, निराकरण करने का इच्छा से हम लोग इच्छा मात्र रख सकते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी दूध 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 का जो है तो लगा दे तो आप निराकरण कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या कह रहे हैं निराचिकीर्षु, निराकरण की इच्छा से जो है उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम, उत्तरम उत्तरम मतलब आगे, उत्तरम मतलब उसका उत्तर रूप, दोनों है यहाँ पर लगेगा, तो उत्तरम उस वो जो प्रश्न है, प्रश्न के लिए उत्तर होना चाहिए, तो उत्तरम और आगे जो केवल आत्मज्ञान विधानार्थम, उत्तर रूप जो केवल आत्मज्ञान विधान और उत्तर भाव में जो आगे जो होने वाला केवल आत्मज्ञान विधान, दोनों के साथ जो है उसके विधान करने के लिए क्या है आत्मा वा इदम, आत्मा वा इदम एक ग्रासीत नान्यत् किंचन मिशत करके जो प्रारंभ किया है श्रुति उसको ले रहे, मतलब पहला वाक्य ही यहां पर ब्रह्म को सिद्ध कर रहा है, हमें आगे बीच में कहीं लेके जाके आपको सिद्ध करने का जरूरत नहीं, ये जो पहला वाक्य है यही जो आपका जो प्रश्न आपका जो संशय के लिए उत्तर है, जो आप ज्ञान कर्म समुच्चय लेने के लिए आप बता रहे हैं केवल आत्मज्ञान विद्या जो है यहां पर नहीं हो सकता है, यहां वो सब गलत है, क्यों आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत कह दिया श्रुति इत्याद्याह, केवल आत्मज्ञानेन निर्विशेष आत्मविषयत्व विषयत्वम अकर्मनिष्ठत्वम कर्म अनंगत्व लक्षणम कर्म असंबंधित्वम च कैवल्यम इह विवक्षितम। तो केवलम ये जो केवल 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 क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ही केवल आत्मज्ञान विधानार्थम इसको जो पहले भी बताना चाहिए था आगे जाके बता रहे हैं, पहले बार जब केवल ये जो शब्द प्रयोग किया है तभी बताना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर केवल का जो शब्द समझ के आगे जाओ बोल के केवल आत्मज्ञानेन इति टीका में केवल आत्मज्ञानेन इति, ये जो केवल आत्मज्ञानेन इसका अर्थ क्या है निर्विशेष आत्मविषयत्वम, पहला जो है विषय के बारे में बता रहे आत्मा क्या है निर्विशेष है, ठीक है निर्विशेष मतलब क्या है निर्विशेष मतलब अकर्म निष्ठत्वम कारण के, तो कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं है अकर्म निष्ठत्व कर्म के साथ संबंध नहीं है, और कर्म अनंगत्व तो कर्म के साथ कर्म के द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये कर्म अकर्म निष्ठत्व कर्म के द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसको बताने के लिए क्या कह रहे हैं पहला लक्षण अकर्म निष्ठत्व, ठीक है दूसरा कर्म अनंगत्व, ये बहुत अच्छा शब्द है कर्म अनंगत्व, मतलब हम लोग पहले पूर्व मीमांसा से पढ़ते वक्त एक विषय को जो है विचार किए थे, मतलब राजा जो है जजमान होके एक कर्म को जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है वो करवा रहा है, उसमें बीच में जो है बीच में कुछ कुछ एक एक कर्म में जो है युद्ध खेलना है, दूसरा कर्म में जो है राजा को बिठा के या जजमान को बिठा के कहानी सुनाना है, ये कहानी सुनाना है बोल के वहां पर विधि है, तो अरे आगे आगे फास्ट फॉरवर्ड हाँ 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 ऐसा नहीं कर सकते वो पूरा कहानी सुनना ही पड़ेगा, और ये युद्ध खेलना है तो वहां खेलना ही पड़ेगा, तो क्यों अभी जैसा जो है आप व्रीहीन जेत बोल के जो है वाक्य आया है तो व्रीही को लेके आ रहे हैं, व्रीही को लेके आके उसको सीधा जो है अग्नि में डाल नहीं सकते हैं,
उसको संप्रोक्षण करके उसको शुद्धि करना है। संप्रोक्षण करके शुद्धि करना है मतलब जल छिटकना है, ये जल छिटकना है मतलब कुछ नहीं है, कर्म नहीं है, जल जो है सर्व जगह में जो है वो फैलेगा नहीं है, कुछ कुछ अंश में ही तो वो गिरने वाला है, फिर भी उसको शुद्धि कर्म माना है, उसको देखना है। देखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, मगर वो करना है, देखना है मतलब ऐसा नहीं ऐसा करके जो है देखना है, मतलब दूसरा कुछ नहीं देखना है, वो अग्नि को ही वो घृत को ही देखना है, इत्यादि जो है विधि है वहाँ पर। तो इसका सब अर्थ क्या है, वह सब एक एक कर्म जो बताया गया है उसमें जो है कोई तात्पर्य ही नहीं लग रहा है, फिर भी क्या है वो कर्म अंग है, वो कर्म। अरे देखने से क्या होगा, हाँ हाँ देख लिया, हो गया आँख ले, अभी वो कर्म आपने किया नहीं है, अंग वैकल्य हो गया वहां पर। और अंग वैकल्य अंग का जो है वो आप करने से क्या है वो अंग हो गया, ये अंग भी हो गया, ये अंग भी हो गया, बोल के अंग के लिए एक अंगापूर्वक कहा गया है, एक अंग करेंगे तो उस अंग के लिए अंगापूर्वक अंग के अंग का, आप अंग को जो है निवृत्ति करने से उसका पुण्य एक होता है अंगापूर्व, और पूर्ण रूप से जो फलापूर्व, ये तो जानते हैं। अभी ये जो कहानी सुनना है वह अंगापूर्व उत्पन्न करेगा, कहानी सुनना है वो अंगापूर्व उत्पन्न करेगा। वैसा यहां पर ये जो आत्मा के बारे में ज्ञान, आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा के बारे में जो ज्ञान यहाँ पर बताया गया है ये एक कर्म का अंग है, वो एक अंगापूर्व उत्पन्न करेगा। ऐसा किसी का जो है मत है तो उसको निराकरण करे, न कर्म अंगत्वम, कर्म अनंगत्वम मतलब न कर्म अंगत्वम, ये कर्म का अंग भी नहीं है, ये कर्म का अंग भी नहीं है, ये आत्मज्ञान प्राप्ति होने से वो जो पहले बताया गया है प्राणोपासना वो पूर्ण होता है, ऐसा कोई विधि भी नहीं है वहां पर। इसलिए और कर्म असंबंधित्वम च, ठीक है कर्म जो है कर्म निष्ठ नहीं है तो कर्म के साथ कुछ तो संबंध रहेगा, मतलब वो कर्मी निष्ठत्वम, हाँ कर्मी निष्ठत्वम और कर्म असंबंधित्वम, ठीक है तो ये कर्मी में भी निष्ठ नहीं है, कर्म के साथ कर्म अंग के साथ संबंध नहीं है, ठीक है कर्म का कोई संबंध, कोई भी प्रकार का संबंध कर्म के साथ वो स्वीकार करेंगे तो वो भी नहीं है। तो कर्मी के साथ नहीं है, कर्म अंग के साथ नहीं है, कर्म के साथ नहीं है, मतलब तीनों प्रकार, ये जो है प्रमात्र के साथ संबंध नहीं है, प्रमाण के साथ संबंध नहीं है, और वो जो प्रमेय कर्म उसके साथ भी संबंध नहीं है, तो तीनों के साथ संबंध नहीं है, इति कैवल्यम है, वही जो है केवल, केवलस्य भावं कैवल्यम, तो विवक्षितम वही जो है यहाँ बताने का इच्छा है, उसी को बताने का इच्छा है यहाँ, इसलिए केवल आत्मभाव, केवल आत्मज्ञान ये जो है बार बार कह रहे हैं, केवल आत्मविद्या इत्यादि, ठीक है आगे। क्या है हाँ हाँ वो है, वो नहीं है यहाँ पर, हाँ हेतु तो है ही है निर्विशेष आत्मविद्या, वो चार हेतु तो हो गया है, मगर तीन जो है मुख्य क्या है प्रमात्र प्रमेण प्रमेय आदि वैसा हो गया है, एक जो है निर्विशेष आत्म, कोई भी ये तीनों प्रकार का कोई भी विशेष वहाँ नहीं हो सकता, ये जो है वो चार, एक्चुअली चार नहीं कह सकते, निर्विशेष आत्म विषयकत्व एक है। निर्विशेष मतलब क्या है, किस प्रकार का विशेष, किसके साथ संबंध कह रहे हैं आप, कर्मी के साथ या कर्म अंग के साथ या कर्म के साथ, तो तीनों है, तो वो जो निर्विशेष है उसको एक्सप्लेन करने के तीन हेतु है या एक हेतु है, वो एक हेतु को समझने के लिए तीन हेतु है, ठीक है। तो आगे कथम आगे ही ननु ननु टीका है, ननु आत्मा वा इदम इत्यादि
कथम केवल आत्म विषय। आप जो कह रहे सीधा जो है आपने केवल आत्मज्ञान इति जो है उसका अर्थ क्या है इति आप जो बताने का सिद्ध करने का जो इच्छा कर रहे हैं, और पहला जो वाक्य को ही आप क्या मान लिया है वो केवल आत्मस्वरूप को ही सिद्ध कर रहा है आप मान लिए हैं। तो इसलिए पूर्व पक्षी जो है आत्मा वा इदम ये जो मंत्र इत्यादि मंत्र जो है कथम केवल आत्म विषय मुख कैसा जो है अब केवल आत्म विषय जो बता रहे हैं आप आत्मा वा इदम यह आत्म शब्द का तात्पर्य क्या है ब्रह्म नहीं है या आत्म शब्द का तात्पर्य वो जो सगुण ब्रह्म है या हिरण्यगर्भ है या प्राण है तो इसमें कोई यहाँ संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए कथम केवल आत्म विषय क्यों ऐसा पूछ रहे स इमान लोकान असृजत इति लोक सृष्टि प्रतीत है। मैं हेतु देता हूँ आप जो एक हेतु को तीन टुकड़ा में करके जो है बढ़िया बढ़िया से हेतु दे रहे हो मैं भी हेतु देता हूँ हेतु ही है ना हेतु देने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ तो इसलिए कह रहे हैं स इमान लोकान असृजत ये लोक को सृष्टि किया। अभी ये जो वाक्य इसी श्रुति से लेके आ रहा हूँ स इमान लोकान असृजत आपका ये जो ब्रह्म लोक सृष्टि कर सकता है क्योंकि मैं हाँ बोलूंगा तो ये जो है सिद्धांत हानि हो जाएगा। मैं हाँ बोलूंगा तो सिद्धांत हानि क्यों निर्विशेष आत्मस्वरूप बार बार उसी को कह रहे हैं निर्विशेष निर्विशेष करके सविशेष नहीं वह उसका जो है सिद्धांत है हम जो है निर्विशेष नहीं वह कह रहे हैं तो आत्मा में कोई विशेष ही नहीं है कोई भी प्रकार का तो कोई कर्म गुण इत्यादि किसी का साथ संबंध होने से विशेष हो जाएगा ये विशेष है ही नहीं है तो इसलिए क्या कह रहे स इमान लोकान असृतता इति लोक सृष्टि लोक सृष्टि का प्रतीति हो रहा है वहां पर स्पष्ट जो है वहां दिखाई दे रहा है लोक सृष्टि यही कर रहा है यही कर रहा है मतलब आत्मा तो नहीं कर सकता है निर्गुण ब्रह्म तो कुछ नहीं कर सकता है सगुण ब्रह्म मेरा जो ईश्वर जो प्राण या प्राण का जो देवता है वो प्रजापति वो हिरण्यगर्भ वही कर रहा है ये सब पर्याय शब्द है इति तस्माच्च तस्याश्च सविशेष हिरण्यगर्भादिकर्तृकत्वेन पुराणेषु प्रसिद्ध है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं सृष्टि तो कह रहे तस्याश्च सविशेष सविशेष हिरण्यगर्भादिकर्तृकत्वेन पुराणेषु प्रसिद्ध है। वो जो मैं बता रहा हूँ वह आत्मा क्या है हिरण्यगर्भादि का जो है कर्ता है ऐसा पुराण में प्रसिद्ध है। पुराण को प्रमाण रूप में लेके आ रहा है श्रुति को नहीं है क्योंकि इन लोगों के लिए पुराण ही आधार होता है। तो ताभ्यः ताभ्यः गाम आनयद इत्यादि व्यवहाराणाम लोके सविशेष विषयत्व प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ पर जो है सविशेष हिरण्यगर्भादि आप जो सविशेष ये कैसा जो है सविशेष ही उसका कारण है ये आप कैसा स्वीकार कर सकते हो इमान लोकान असृजत ये वाक्य सविशेष से ही हो रहा है निर्विशेष से नहीं हो रहा है ये आपको कैसा मालूम है पुराण में बताए वो जो है कोई बीच में लिख दिया है। हम लोग तो कह सकते हैं कुछ कुछ वाक्य जो है बीच बीच में कोई कोई उसमें लिखा है बोल के इंटरप्रेट कर रहे बोल के जो है वाक्य है कोई बात नहीं है प्रत्यक्ष ही अनुभव है प्रत्यक्ष क्या अनुभव है तो कह रहे हैं काव्य है गाम आनयद इत्यादि व्यवहाराणाम गाम आनयद उसने गाय लेके आया कौन लेके आया उसने वो क्या है निर्विशेष नहीं है सविशेष कोई रूप रंग वाला जो है वही गाय नामक एक पिंड को लेके आया एक पिंड सविशेष पिंड दूसरा सविशेष पिंड को लेके आया तो इसीलिए इत्यादि लोके व्यवहारणम ये सब व्यवहार मतलब एक उदाहरण है बस ऐसा जो है बहुत से व्यवहार है सविशेष विषयत्व प्रसिद्ध है सविशेष विषय ही ये सब है सृष्टि से लेके उसका व्यवहार तब सब जो है सविशेष से ही निर्वाह हो सकता है क्योंकि यहाँ सृष्टि मात्र का बात नहीं कर रहे उसका जो पालन का बात भी ले रहे हैं तो गाम आने है, मतलब उसका पालन हो रहा है तो वो सब किससे होगा निर्विशेष से बिल्कुल नहीं हो सकता है वो चुप बैठने वाला है वो कैसा जो है लेके आएगा तो इसलिए कह रहे हैं सविशेष विषय तो प्रसिद्ध लेके आएगा
तो इसलिए कह रहे हैं सविशेष विषयत्व प्रसिद्ध है, ये सब सविशेष विषय है, ये सब सविशेष विषय है, प्रसिद्ध है, पूर्वत्र अथ है, प्रसिद्ध है पूर्वत्र अथा तो रेतस सृष्टि प्रजापते रेतो देवाः इत्यत्र प्रजापति शब्द तस्य हिरण्यगर्भस्य प्रस्तुतत्वाच्च। और इतना नहीं है, असा तो रेतस सृष्टि, आगे जो है रेतस का कार्य का जो है सृष्टि हुआ है, और प्रजापते प्रजापते रेतो देवाः, प्रजापति ही क्या है, वो कार्य का देव है। तो इत्यत्र ये जो है यहाँ पर प्रजापति शब्द, प्रजापति आप क्या है, अभी तक जो है प्राण बहुत बता रहे थे, बीच में जो प्राण को छोड़ के हिरण्यगर्भ पकड़ लिए है, और अभी जो है प्रजापति बता रहे हैं, मतलब कौन आपका देवता है, प्रजापति प्राण या हिरण्यगर्भ, तो इसलिए बता रहे हैं प्रजापति शब्द तस्य हिरण्यगर्भस्य प्रस्तुतत्वाच्च। प्रजापति ही जो है अपर नाम किसको, हिरण्यगर्भ को, इसलिए कोई दोष नहीं है। तस्य तद विषयत्वस्य औचित्याद इति आत्मग्रहीति रीति अधिकरण पूर्वपक्ष न्यायेन शंकते। तस्य तस्य मतलब तद विषय, वो जो प्रजापति तद विषय औचित्याद, वही जो है वो सृष्टि करने का योग्य है, इसलिए सृष्टि विषय औचित्याद आत्मग्रहीति रीति, आत्मग्रहीति ये अधिकरण है, इस अधिकरण के आधार पर यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, अधिकरण का सामान्य जो है इति न्यायेन करके हम लोग कह देंगे, यहाँ पर अधिकरण न्यायेन करके स्पष्ट कर रहे हैं। एक और बात, वहाँ पर अधिकरण न्याय को लेके सिद्धि नहीं हो रहा है, अधिकरण न्याय का पूर्व पक्ष को लेके, मतलब आत्मगृहीति ही इतरवत उत्तरात सूत्र है। आत्मगृहीति ही, आत्मा यहाँ पर क्या है, आत्मा का शब्द, आत्मा शब्द का ग्रहण हो रखा है, तो आत्मा वा इदम एकाग्र आसीत इसमें, तो ये जो है परमात्मा ही है, सिद्धांत पक्षी है, ये जो है परमात्मा ही है, क्यों, इतरवत अन्यत्र आत्मन आकाश संभूतः इत्यादि में आत्मा क्या है, ब्रह्म ही है, तो इसलिए इतरवत ऐसा ही जो है आपको आगे भी मिलेगी, तो यही उत्तर है। तो ये जो सिद्धांत पक्ष है, तब पूर्व पक्ष क्या हो सकता है, आत्मा मतलब दुनिया भर का जो भी विषय है, तो यहाँ पर दुनिया भर का जो भी विषय है नहीं है, प्रजापति को ही लेंगे, यहाँ पर प्रजापति को ही लेंगे ऐसा करके, क्योंकि पूर्व पक्ष का जो है विषय है वो, तो पूर्व पक्ष क्या है, प्रजापति को, हिरण्यगर्भ को ले लेता है, तो इसलिए क्या है, इत्याधिकरण पूर्व पक्ष न्यायेन, पूर्व पक्ष का जो है सिद्धांत है वो वहाँ उस अधिकरण में, उसको लेके शंकते कथम इति, उसका आधार पर शंका अभियुक्त कर रहे हैं कथम इति भाष्य। कथम पुनः कर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते अन्यार्थ अनवगमात्, अन्यार्थ अनवगमात तक जो है हम लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि तथा चेति, हाँ आगे जो तथा चेति, तो कथम आपको जो है कैसा मालूम हो रहा है, पूर्व कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम, पुनः अकर्म, पुनः अकर्म संबंधी, आगे अब आगे दोबारा क्या है ये जो कथम पुनः है, एक और बार पूछता हूँ मैं वही बात को, अकर्म संबंधी केवल आत्म, कर्म के साथ कोई भी संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, वैसा केवल आत्मज्ञान विज्ञान से ही जो है उसी को विधान करने के लिए यहाँ ये जो ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, आप कैसे मालूम है, ये जो है प्रश्न है, संशय है पूर्व पक्षी का, तो हम लोग उत्तर देते हैं अन्यार्थ अनवगमात, यहाँ पर दूसरा अर्थ समझ में आवे तो संशय हो सकता है, दूसरा कोई अर्थ ही नहीं आ सकता है वहाँ पर, आत्मा व इदम एक ग्रासित के लिए जो है आप आत्मा मतलब वो हिरण्यगर्भ एक ही था सृष्टि के पहले, ऐसा ले ही नहीं सकते यहाँ पर, ये ले ही नहीं सकता है, मतलब ये जो है तू तू मैं बात हो जाता है, आप जो है कह रहे हैं
हाँ ले सकते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं ले सकते हैं। यहाँ जो है समान दोष और दोष मतलब उत्तर, दोष समान मतलब उत्तर भी समान है, मतलब आप जो भी ले रहे हो वही मेरा उत्तर है, ऐसे ही जो है सिद्धांत में हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ ये जो केवल आत्मविद्या प्रतिपादन करने के लिए है, दूसरा अर्थ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिद्धांत पक्षी का दावा। और पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ दूसरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी अन्यार्थ अनुगमार्थ ही प्राप्त कर रहा है हेतु, और इसका क्या विषय क्या है, यहाँ हिरण्यगर्भ ही यहाँ समझ में आ रहा है। इसलिए तो अभी हमको जो है पूर्ण रूप से ये वेदांत का जो विषय है उसको, ये जो ऐत्रेय उपनिषद का जो है पर्यालोचना करना है। वहां पर मेरा जो पहला प्रवचन था क्या नाम है, केरल में आचार्य भगवान भाष्यकार का जो है गर्ग कहके जो है, अभी उसको लेके वहीं उस जैसा जो है अभी मथुरा है, मथुरा में जो है इसी जेल में भगवान को, भगवान कृष्ण को जो है जन्म दिए है बोल के एक कमरा दिखाते हैं, उस कमरे में थोड़ी जो है भगवान पैदा हुए हैं, वहाँ उपलक्षण मात्र उस स्थान में, ये स्थान विशेष है, इस स्थान विशेष में ऐसा एक कमरा होगा बोल के बाद में, क्योंकि तब का कमरा अभी तो नहीं रह सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग में बनाया वो जो है अभी से यहाँ से क्रैक हो रहा है, वहाँ से क्रैक हो रहा है, देखते हैं तो भी ये तो मैं जितना रहूँगा उतना तक भी ये नहीं रहेगा शायद, ऐसा जो है हम लोगों को संशय होता है। ज़्यादा कहाँ, कहीं भी देखिए 100 वर्ष जो है पुरुष का मात्र नहीं है, बिल्डिंग का भी, आजकल का बिल्डिंग का उतना भी नहीं होता, तो कम से कम पुराना जो ज़माने में जो बिल्डिंग बनाए वो 500-600 साल तक, मतलब हजारों हजारों साल कहाँ से हो सकता है। तो हम लोग जैसा उपलक्षण रूप में लेते हैं वैसा जो है वहाँ पर भगवान भाष्यकार का घर होता शायद, और क्योंकि वो जो घर तो टूट जाएगा वो दूसरी बात है, कोई बात नहीं है, मंदिर भी जो है छूट सकता है, उसको भी जो है मरामत करके या पुनर्निर्माण करके कर सकते हैं। वो जो तालाब इत्यादि वहाँ पर है उसमें जो है कोई नष्ट होने का बात ही नहीं है, तो वो तो रह सकता है। तो वो सब जो भगवान भाष्यकार का जो है परंपरागत श्रवण जो परंपरा से, जो कारणिक परंपरा से जो है हम लोग ये भगवान भाष्यकार का घर है बोल के स्वीकार करते हैं, वहाँ पर हुआ था। मेरा विषय था तैत्तरीय उपनिषद, और मैं तैत्तरीय उपनिषद को जो है सिद्ध किया, 1 घंटे का प्रवचन था पूरा जो है सिद्ध किया। क्या है तैत्तरीय उपनिषद, अन्न को ही ब्रह्म कह के सिद्ध कर रहा है कह के, उसके लिए उपक्रम उपसंहार रूप में आपको पूरा वाक्य है, अन्नम ब्रह्मेति विजाना तक अन्नादह करके अंतिम तक जो है सब जगह पे आपको ये मिल जाएगा। तो इसलिए पूर्व में जो है अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, उसका जो है विधि भी है, प्रारंभ से अन्न का जो है इतना जितना मुख्य दिए है उसके, उसको छोड़ के दूसरा किसी जो है कोष को या प्राण इत्यादि को जो है मुख्यत्व नहीं दिए, तो उसको जो है आधा घंटा में जो है अन्न सिद्ध किया अध्यारोप, उसके बाद जो है ये सब अनर्थ है, ब्रह्म ही यहाँ पर। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है, ब्रह्म ही यहाँ पर विषय है, ये सिद्ध करने के लिए षड्विध तात्पर्य लिंग को स्वीकार करना पड़ेगा तभी सिद्ध होगा, नहीं तो जो है मेरे बात तुम्हारा बात यही जो है यहीं पर रह जाएगा, सिद्ध कुछ नहीं होगा। तो सिद्ध नहीं, जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक विजय ये जो बात का जो है वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता। यदि जो पूर्व पक्षी है वह जो पहले बताया था मेरा काला दूध से जो दूध निकलता है, काला गाय से जो दूध निकलता है वो काला ही रहता है कह दिया, तो आप सिद्ध नहीं किए, आपकी बात सिद्ध नहीं किए, भले आपका तर्क बहुत सुंदर सुंदर है वो अंतिम में ये कह दिया तो कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए क्रमशः उसको सिद्ध करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं शंकते कथमिति, ठीक है, सविशेष विषयत्वे सम्यग सत्यात्म विद्यायाः कर्म असंबंधो
अपि असिद्धः इति अभिप्रेत्य उक्तम अकर्म संबंधी। तो वहाँ पर पूर्वज में जो है अकर्म संबंधी ये सब जो बताए थे उसका तात्पर्य क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सविशेष विषयत्वे सति आत्मविद्यायाः, सविशेष विषयत्वे सति आत्मविद्या, सत्यात्मविद्यायाः नहीं है, सति आत्मविद्यायाः है वो है। मतलब सविशेष विषय ये जो कर्म के साथ इत्यादि के साथ संबंध होने वाला आत्मविद्या है तो तब कर्म असंबंधो अपि असिद्ध है। तब जो है कर्म असंबंध, क्योंकि सविशेष आत्मविद्या में कर्म संबंध रहेगा, कर्म संबंधो कर्म असंबंधो अपि असिद्ध है, मतलब घुमा के फिरा के बोलने वाला बात है, कर्म संबंध अस्ति इति। सविशेष मतलब क्या है, कर्म संबंध है, कर्म संबंध नहीं है वो असिद्ध है, डबल नेगेटिव है वो, तो इसलिए कर्म असंबंधो अपि असिद्ध है इति अभिप्रेत्य, ऐसा जो है अभिप्राय के अभिप्राय से उक्तम अकर्म संबंधी की, इस अभिप्राय से जो है अकर्म संबंधी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है ये हेतु हम लोग दिए थे, कर्म असंबंधित्वम ये हेतु हम लोग दिए थे। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इति अद्वितीय आत्म उपक्रमात्, यहाँ से जो उपक्रम उपसंहार इत्यादि को जो लेके सिद्ध कर रहे हैं, षड्विध तात्पर्य लिंग जो हम लोग सुन के आए हैं स्वीकार करके आए उसी को, षड्विध तात्पर्य लिंग क्या है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम इत्यादि जो क्रमशः एक एक को यहाँ पर बताएंगे। देखिए उपक्रम क्या है, प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं, उपक्रम मतलब प्रारंभ और उपसंहार मतलब कंक्लूशन, मतलब ये प्रारंभ में और उपसंहार में अंतिम में जो विषय को करें, ये एक लिंग है, दो दो लिंग नहीं है, उपक्रम और उपसंहार एक लिंग है। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, आत्मा ही यहाँ पर एकमात्र रहा अग्र पूर्व सृष्टि के पूर्व, तो इति अद्वितीय आत्म उपक्रमा, अद्वितीय आत्मा के जो है स्थापना करके करने के द्वारा जो है वो उपक्रम हो रहा है, उससे उपक्रम कर रहे हैं। ठीक है, एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि अनुक्रम्य सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं इति प्रज्ञान शब्दित प्रत्यगात्म अधिष्ठानत्वेन तद्व्यतिरेकेन ब्रह्म शब्दित हिरण्यगर्भादि प्रपंचस्य अभावं उक्त्वा, प्रपंचस्य अभावं उक्त्वा प्रज्ञानं ब्रह्म इति अद्वितीय आत्मत्वेन उपसंहारात्, द्वितीय है उपसम मतलब उपक्रम का जो है द्वितीय भाग है, दूसरा पक्ष है उपसंहार, एक ही लिंग है वो। तो क्या कह रहे, आत्मा एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि अनुक्रम्य, एष ब्रह्म एष इंद्र उस परमात्मा को ही जो है इत्यादि विषय से जो बता के सर्वम मतलब एष ब्रह्म एष इंद्र ये सब जो कह रहे हैं वो सगुण ब्रह्म इंद्र इत्यादि क्या है, सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम वो सब वो प्रज्ञानेत्र है, और क्या है प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम वो सब उस प्रज्ञा में ही प्रतिष्ठित, उसका अंग रूप जो है उसी में प्रतिष्ठित है। ठीक है, इति प्रज्ञान शब्दित प्रत्येगात्म अधिष्ठानत्वेन, उपप्रज्ञान शब्द क्या है प्रत्येगात्म अधिष्ठानत्वेन, प्रत्येगात्मा का अधिष्ठान रूप से जो बताया गया है उससे यहाँ पर प्रत्येगात्मा का अधिष्ठान रूप। ठीक है, अभी ये या दूसरा पक्ष क्या है, हिरण्यगर्भ तद्व्यतिरिक्तेन ब्रह्मशब्दित हिरण्यगर्भादि प्रपंच अभावम उक्त्वा, क्या है पहले जो है प्रज्ञा शब्द प्रत्येगात्मा का अधिष्ठान ब्रह्म, ब्रह्म नहीं कह रहे प्रत्येगात्मा का अधिष्ठान कह रहे, बस उसको छोड़ के आप जो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है तद्व्यतिरेकेन, ब्रह्म शब्द क्या है ब्रह्म शब्दित, ब्रह्म शब्द से क्या हम लोग द्योतिक करना चाहते हैं, हिरण्यगर्भादि प्रपंचस्य अभाव मुक्त्वा,
ब्रह्म हिरण्यगर्भादि प्रपंच को जो है वहां सिद्ध नहीं कर रहा है, आप जैसा स्वीकार करना चाह रहे हैं। यहां पर ब्रह्म क्या है, हिरण्यगर्भ यस्य आदि ही तत् हिरण्यगर्भादि, हिरण्यगर्भ से प्रारंभ होके जो भी सृष्टि है वो सब क्या है, प्रपंच, उसको सब जगत रूप में माना है। वह जगत प्रपंचस्य अभाव उक्त्वा, अभाव को सिद्ध करके प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो है महावाक्य को वहां बता रहे, वहां महावाक्य का जो है एक शॉर्ट फॉर्म का जो है एक्सप्लेनेशन है, यहां पर एक संग्रह में महावाक्य का तात्पर्य क्या है बता रहे हैं। प्रज्ञानम मतलब क्या है, प्रज्ञानम मतलब प्रत्येगात्मा का अधिष्ठान है, ब्रह्म मतलब प्रपंच अभाव, प्रत्येगात्मा का अधिष्ठान ही ब्रह्म प्रपंच का अभाव स्वरूप है, वही जो है हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो ऐक्य है। तो इति अद्वितीय आत्म ब्रह्म इति अद्वितीय आत्मना उपसंहार, अद्वितीय आत्मा स्वरूप से जो है उपसंहार हो रहा है, ठीक है, ये एक लिंग हो गया है उपक्रम उपसंहार। स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इति मध्ये परामर्शात ब्रह्म आत्म अद्वितीयत्वस्य मानांतर अगम्यत्वेन अपूर्वत्वात् अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् इति स्वर्गशब्दित निरतिशय सुख आत्म आत्मक ब्रह्मणा ऐक्येन स्थितस्य तत् अंशभूत वैषयिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षणस्य लक्षण फलोक्तेः। अपूर्व और फल दोनों को बता रहे हैं, अपूर्व को पहले ले लेंगे, अपूर्वता, अपूर्वता मतलब क्या है, यहाँ जो बताए हैं वहाँ वो जो है अन्यत्र बताना नहीं चाहिए, ये बात नहीं है, तब तो है इतना जो उपनिषद नहीं होगा। तो यहाँ जो बताया गया ये विषय, ये दूसरा कोई भी प्रमाण से जाना नहीं चाहिए, यहाँ इसका अपूर्व है, एक एक का जो है एक एक अपूर्व है। दक्षिण में जो मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ जो मिलता है वो दक्षिण में नहीं मिलता है, यहाँ जो वैसा ही बनाते हैं वो दक्षिण का हिसाब से नहीं है, वहाँ जो बनाते हैं यहाँ का हिसाब से नहीं है, तो ये अपूर्व है, वही विषय हो सकता है, मगर विषय का जैसा बताया था वो जो तिरुपति का लड्डू जो है वही सामान वहाँ से ही लेके बना रहे, मगर वो तिरुपति का अपूर्वता है। वो जो मंदिर में जो नमक बिना जो बड़ा है वो वहाँ का अपूर्वता है, वैसा कोई विशेष होना चाहिए, उस विशेष यहाँ पर क्या है, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत, यही जो ब्रह्म पुरुष क्या है, ततम मतलब व्याप्तम इति, तो अपश्यत उसको देखा है इति मध्ये परामर्श, ये व्याप्त है, वैसा मध्य में बीच में जो परामर्श हो रहा है आपको जो याद दिला रहा है श्रुति, तो इति परामर्शात् ब्रह्मात्म अद्वितीयत्वस्य, यहाँ पर शब्द का जो है संकोच नहीं कर रहे, अद्वितीयस्य नहीं कहे है, ब्रह्म इति अद्वितीय वहाँ पर कहे है, वहाँ अद्वितीय शब्द से संकोच नहीं कर रहे है, ब्रह्म आत्म अद्वितीयस्य, जो पहला हम लोगों को जो उपसंहार में जो बताए थे प्रज्ञान ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए, वो दोनों को ले लिए, ब्रह्म आत्म ऐक्य जो है अद्वितीयस्य अद्वितीयत्वस्य मानांतर अगम्यत्वेन, ये जो है शब्द प्रमाण को छोड़ के दूसरा कोई भी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता है, केवल हम लोग प्रमाण जनितम ज्ञानम यद्यपि कहते हैं, फिर भी शब्द प्रमाण मात्र जनितम ज्ञानम इत्यर्थ है, वहां पर शब्द प्रमाण को छोड़ के दूसरा कोई भी प्रमाण ये आत्म ब्रह्मात्म अद्वितीय ज्ञान को जो है दे नहीं सकता है, तो इसलिए मानांतर अगम्यत्वेन अपूर्वत्वात्, ये जो है अपूर्व है, यही इसका स्पेशलिटी है, ठीक है। अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान् कामान्, अगला जो है मंत्र है, अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्,
अमुष्मिन स्वर्गे लोके, आगे जो स्वर्ग लोक में सब काम को जो है वो प्राप्त करके अमृत है समवत मरण रहित स्थिति प्राप्त कर लेता है। इति वहां पर स्वर्ग मतलब क्या है, स्वर्ग शब्दित है, स्वर्ग मतलब एक लोक नहीं है, स्वर्ग स्वर्गे लोके, यद्यपि स्वर्गे लोके कहा है, यहाँ पर क्या कह रहे स्वर्ग शब्दित निर्दिश्य सुखात्मक ब्रह्म ऐक्यन ब्रह्मण ऐक्यन से, यहाँ जो है स्वर्ग मतलब जैसा इंद्र का स्थान नहीं है या कोई देवता विशेष का स्थान नहीं है, स्वर्ग मतलब क्या है ये जो ब्रह्म के साथ जो ऐक्य स्वभाव है, क्योंकि यहाँ किस स्वरूप का आनंद बता रहे हैं, स्वर्ग शब्दितस्य शब्दित निर्तिश्य सुखात्मक, ये शब्द जो है मुख्य है वहां पर, निर्तिश्य सुख स्वर्ग यदि लोक हो गया तो एक स्थान हो गया तो स्थान विशेष हो गया तो तब क्या हो जाता है वहां निर्तिश्य बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर परिच्छिन्न आनंद ही प्राप्त कर सकते हैं और अब हमारा आनंद जो है उसी विषय में कम होगा दूसरे के लिए, दूसरे के जो है दृष्टिकोण से ये सब वहां बिल्कुल होगा ही है। इसलिए स्वर्ग मतलब क्या है, क्योंकि स्वर्ग शब्द बताए वे स्वर्ग स्पष्ट से स्वर्ग ये स्पष्ट लिंगत्वात ये लेके मत आना है, इसलिए कह रहे स्वर्ग शब्द क्या है निर्तिश्य सुखात्मक ब्रह्म ऐक्यन, वो ब्रह्म ही है, इसलिए स्थितस्य तद अंशभूत वैषयिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षण फलोक्ते है, और वो निर्तिशीय ब्रह्म का जो है आप कहीं भी जो भी प्राप्त करते हैं वहाँ वो सब स्वर्ग नाम से जो है जाना सकता है। स्वर्ग मतलब यहाँ वो जो परमात्मा का एक अंश मात्र का, यदि स्वर्गे लोके का जो है आप एक स्थान विशेष लेंगे तो भी मात्राम उपजीवत, इस वाक्य के आधार पर क्या है वो वहाँ पर जो परमात्मा का जो आनंद है उस आनंद का एक अंश मात्र है वैसा जो है समझ सकते हैं। इति स्थितस्य ब्रह्मणा ऐक्येन स्थितस्य तद अंशभूत, उसका अंशभूत वो आनंद का अंशभूत वैषयिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षण, विषयिक वैषयिक आनंद मतलब परिच्छिन्नत्व हो गया है ब्रह्म आत्मा ऐक्येन, इसलिए स्वर्ग को जो है मैं स्थान विशेष के नाम से बताया नहीं, तो अंशभूतेन होने से भी सर्वानंद प्राप्ति लक्षण फल ही वहां पर है। ये विषय क्या है स्वर्ग मतलब क्या है, स्वर्ग मतलब स्थान विशेष नहीं है, ब्रह्मात्मा ऐक्य निर्तिशी आनंद है, ठीक है, निर्तिशी आनंद ये जो स्वर्ग है, मगर ये जो वहां विषय जो अनुभव हो रहा है, यहाँ जो विषय अनुभव हो रहा है उसका क्या है, वो क्या है वो ब्रह्म का वो जो निर्तिशी आनंद का अंश है, मतलब उस अंश को ही अनुभव कर रहा हूं, नहीं उस अंश के द्वारा उस सर्वानंद को प्राप्ति कर रहा हूं, उस अंश के द्वारा उस आंशिक ज्ञान, क्योंकि आप यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद आंशिक आनंद का जो है विषय लेके आ रहे तो ब्रह्म ज्ञान परिपक्व हुआ नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं उसके द्वारा जो भी विषय है उसके द्वारा हम अवच्छिन्न ज्ञान नहीं प्राप्त करते, अनवच्छिन्न ज्ञान ही प्राप्त कर रहे, इसलिए क्या कह रहे हैं तद अंशभूत वैषयिक विषयिक विषय के द्वारा जो प्राप्त करने वाला वैषयिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षण से उक्तत्वात्, सर्वानंद प्राप्ति लक्षण ही यहां पर बताया गया है, वैषयिक किंचित आनंद नहीं है विषय के द्वारा, इसलिए स्वर्ग मतलब क्या है ब्रह्म ही है, निर्तिशी आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, वही यहां पर विषय है, ठीक है, मतलब उपक्रम उपसंहार हो गया है, अपूर्वता हो गया है, फल हो गया है, चार लिंग हो गया, अभी उपक्रम उपसंहार एक है, हाँ उपक्रम उपसंहार एक है ठीक है, उपक्रम उपसंहार एक है, अपूर्वता एक है और फल एक है, तीन तीन हो गया है। सृष्ट्यादि अर्थवादात स एतमेव सीमानं विधार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति प्रवेश उक्ते है, तस्य त्रय आवसताः त्रय स्वप्नाः इति जाग्रदादि
अवस्थात्रयस्य स्वप्नत्वेन मिथ्यात्व उक्ति उपपत्तेश्च। तो यहाँ पर अंतिम जो उपपत्ति लेके आ रहे हैं, अंतिम जो लिंग उपपत्ति को लेके आ रहे हैं, क्या है? सृष्टियादि अर्थवाद वाक्य को लेके आ रहे हैं। पहले अर्थवादी वाक्य क्या है? मिथ्या उपपत्तेश्च, वहां उपपत्ति हो गया है। तो सृष्टियादि अर्थवाद, सृष्टियादि का जो अर्थवाद रूप में हम लोग मानते हैं, सृष्टियादि का अर्थवाद रूप से कैसा मानते हैं, अर्थवाद कैसा हो गया सृष्टियादि, तो उसके लिए जो है क्या है? स्वप्नत्वेन मिथ्यात्व उक्ति उपपत्तेश्च। सृष्टियादि जो है अर्थवाद, ये कैसा समझ में आ रहा है? क्योंकि त्रय आवसता, उसका तीन स्थान है कह के जो है तीनों स्वप्न है ऐसा कह के सिद्ध कर रहे हैं उसके द्वारा। इसलिए स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्राप्यते इति प्रवेशोक्ते। और ये जो इसका सीमा को जो है फाड़ के इसमें प्रवेश करता है, तो ऐसा जो है वहां सृष्टि का जो है विषय बताया है। सृष्टियादि अर्थवादात, वो अर्थवाद है, मतलब सीमा को थोड़ी फाड़ के कोई अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसा जो है स आत्मनम वपाम उदक्षिदत जो वाक्य आया है, वो अपना जो है पेड़ को फाड़ के उसमें से जो चर्बी है उसको निकाल के याग में डाला है, वह जो वाक्य आया है, मतलब दूसरे किसी का जो है, मतलब एक गाय का या एक जो है घोड़े का, एक ऐसा कोई भी प्राणी, अन्य प्राणी का जो है पेड़ को फाड़ के, या दूसरा कोई जो है पुरुष का पेड़ को फाड़ के, वो भी हो सकता है। यहां पर क्या कह रहे हैं? आत्मन वक्पाम उदखिदत, अपना पेड़ को फाड़ के, ये कहां से हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं है, ये अर्थवाद है। ऐसा जैसा मानते हैं यहां पर भी क्या है? स एतमेव सीमानम, यही जो सीमा, यही जो मूर्धा है, यही जो सीमा है, उसको विदार्य, वो सिर को जो है कपाल को फाड़ के, विदार्य फाड़ के, ये तया द्वारा प्राप्त करता है, इसके द्वारा जो है इस जीव में प्रवेश करता है। ऐसा प्रवेशुक्ति है, प्रवेशुक्ति है, वो जो है अर्थवाद मात्र है। तो अर्थवाद मात्र कैसा है उसका जो है आगे सिद्ध हो रहा है। तस्य त्रय अवस्था त्रय स्वप्न इति जागरादि अवस्था त्रयस्य स्वप्नत्वेन, उसका जो है तीन स्थान है, वो तीन स्वप्न है। इसमें जो है तीन स्थान, तीन स्वप्न कहने के मतलब क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसा तीन जो अवस्था हम लोग मानते हैं। आवसता अवस्था इत्यर्थ, जो अवस्था है, जो स्थान है, वो जो मानते हैं वो तीनों क्या है? स्वप्न ही है। त्रय स्वप्न है, इसलिए क्या है? स्वप्नत्वेन, वो स्वप्न कहने का तात्पर्य क्या है? मिथ्यात्वोक्ति, मिथ्यात्वोक्ति से क्या है? उपदेश, उपपत्ति भी हो गया है। तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अभ्यास को जो है देखना है। निर्विशेष यहां पर कथा है क्या? अभ्यास एक नहीं है, आत्म शब्द बार बार आ रहे, यही हो सकता है। निर्विशेष अद्वितीय आत्म परत्व अवगमेन ग्रंथस्य अर्थांतर शंका अनवकाशात लोकादि सृष्टि उक्ते, लोकादि सृष्टि उक्तेश्च अध्यारोप अपवादाभ्याम उक्तात्म प्रतिपत्यर्थ प्रतिपत्यर्थम अत्य आत्मनि अध्यारोप अध्यारोपात परमात्म एव इह आत्मशब्देन गृह्यते इत्रवत। तो ये जो न्याय जो बता रहे हैं, उस न्याय को लेके यहाँ पर बताए हैं। आत्मा क्या है? आत्मगृहीति ही, आत्मगृहीति ही, यहाँ पर क्या है? आत्मगृहीति का हो गया बात। अभी इतरवत क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। इतरवत, इतरवत क्या है उसको देखते हैं। ओम, मतलब यहाँ पर जो है अभ्यास एक छूट गया है, अभ्यास जो है बार बार उसी के बारे में कह रहे हैं, उसको जो है ले सकते हैं, कोई दोष नहीं यहाँ पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।